हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी मैथ्स की थर्ड क्लास हम स्टार्ट लेंगे। मैंने अपने चैनल पर सीईटी ग्रुप डी की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई हुई है, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। दो तीन दिन से क्लास अपलोड नहीं कर पाई कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, उसके लिए सॉरी। आज हमारी मैथ्स की थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और करना चाहते हैं ग्रुप डी की तैयारी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहेगी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। बेसिक मैथ्स की अभी कुछ क्लासेस मैं आपकी ले रही हूँ, जिसमें आपको अभी बेसिक मैथ्स के कुछ टिप्स बता रही हूँ कि कैसे मैथ्स के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ईजी की जाती है। फिर लेटर ऑन मैं वन बाय वन आपके टॉपिक्स जो है वो चैनल पर अपलोड करूँगी प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी कुछ बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों को आना चाहिए। सो सिंप्लीफिकेशन में आज टॉपिक उठाएंगे फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन का मीनिंग जिसमें आपका एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बात करें तो अंश और हर, यानी कि जब बटे में कुछ डिजिट्स को लिखा जाता है तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें हम ऊपर वाली डिजिट को बोलते हैं अंश और नीचे वाली डिजिट को बोलते हैं हर हिंदी में, और इंग्लिश में हम इन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब बात आती है अगर एग्ज़ाम में इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछे हो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब जब छोटे से बड़ा आप लोग लिखते हैं, या आप लोग अपनी जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से करके आए हैं कि जब छोटे से बड़ा आप लिखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब बड़े से छोटे की साइड चलते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अब बात करते हैं, आप सिंपल नंबर्स में तो सिंपल न्यूमेरिक नंबर्स में तो आप इजीली आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों के दोनों निकाल लेते हो। बात आती है फ्रैक्शन के टाइम पे। फ्रैक्शन के टाइम पे ये देखना होता है कि कब एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट है और कब नहीं है। अब सपोज़ कीजिए आपके पास पहला जो केस आता है जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है, यानी कि जो आपका हर है, देखिए सब में सेम है 11। तो ऐसे केसेस में अगर आपने इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब आपका हर बराबर होता है तो आप ये याद रखिए कि जो न्यूमिनेटर में सबसे छोटा है वही सबसे छोटा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 सबसे छोटा है, ठीक है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखेंगे तो 4/11, उसके बाद आप देखें 5/11, उसके बाद 6/11, 7/11 और 8/11। इट मीन्स जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर में जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, और इस वे में ही आप इसे सॉल्व करोगे। अगर इसका डिसेंडिंग लिखना है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब बात करते हैं अगर अंश बराबर हो, यानी कि न्यूमिरेटर सेम हो। देखिए, इन सब में 3 ऊपर है और नीचे चेंजेस हैं। जब ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जो वैल्यू नीचे बड़ी है आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके और मेरे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 11 10 से बड़ा है, बट ये अपोन में है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपोन में है। इसीलिए अगर न्यूमिरेटर सेम है तो अपोन में जो बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे पहले नंबर पर आएगी। इट मीन्स ये छोटा है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इससे, इसकी वैल्यू इससे छोटी निकलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, न्यूमिरेटर सेम हो तो अपोन में छोटे वाला बड़ा हो, सॉरी बड़े वाला छोटा होगा। जैसे 3/11, नेक्स्ट 3/10, नेक्स्ट 3/9, नेक्स्ट 3/8 एंड नेक्स्ट 3/7। ये हमारा कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि मैंने आपको बोला जब न्यूमिरेटर सेम हो हमारे अकॉर्डिंग जो डिजिट बड़ी है वो अपोन वाले केस में अपोजिट आंसर निकालती है, यानी कि वो छोटी निकलेगी, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसे पहले और इसे सबसे लास्ट नंबर पे रखेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे के कुछ कंसेप्ट की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इन केस मान लीजिए आपके पास ऐसे नंबर्स दिए हैं तो आपको चेक करना है कि क्या जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है। देखिए, 5-3 2, 9-7 2, 13-11 2, 7-5 2, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इस केस में भी आप बिना एलसीएम लिए फटाफट निकाल सकते हैं कि आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। देखिए,
इस केस में आपको क्या करना है, जो आपको लगता है न्यूमरेटर में छोटा है वही छोटा रहेगा, जो वैल्यू आपको लग रही है छोटी है, देखिए 3 छोटा है सबसे, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपकी देखें तो 5/7, नेक्स्ट आपके लिए 5 से बड़ा कौन है, 7, नेक्स्ट 11 और सॉरी 9, 9/11 और नेक्स्ट आपका 11/13। इट मींस जब आपके कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आप न्यूमरेटर्स की वैल्यू ही देखेंगे कि न्यूमरेटर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो सबसे पहले, और जो बड़ी है वो उससे बड़ी, देन उससे बड़ी। इट मींस असेंडिंग ऑर्डर ऐसे बनाएंगे, अगर आपको डिसेंडिंग बनाना है तो सबसे पहले बड़े, सबसे बड़ी, देन छोटी, देन छोटी, वैल्यू आप देख सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखिए 7-4 3, 11-8 3, 10-7 3। पेपर में फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लिया कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर बना के दिखाइए। देखिए सबसे बड़ा कौन लग रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, 10, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी 10/13। नेक्स्ट आपके पास 8/11, नेक्स्ट 7/10, नेक्स्ट 5/8, नेक्स्ट 4/7। समटाइम्स पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं और हमें लगता है कि अब हमें एलसीएम लेके फाइंड आउट करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नहीं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एक सेकंड के अंदर ये सवाल आप जो है सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जब कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तब आप क्या करें, सपोज कि ये सिर्फ 2 वैल्यूज ली है मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए अभी कि कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो अब क्या करें। देखो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके, उसको इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15, नेक्स्ट 8 2 16। अब बताइए बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16। इट मीन्स ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू क्या रहेगी, 2/5, और छोटी वैल्यू क्या रहेगी, 3/8। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्वेश्चन में असेंडिंग पूछा है या डिसेंडिंग पूछा है, ठीक है, या फिर जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन भी पूछा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आप देखें तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अंश भी सेम नहीं है, हर भी सेम नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये आपका 20, बताइए बड़ी वैल्यू है ये, इट मींस ये आपकी बड़ी है और ये आपकी छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बेस पे करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इस क्वेश्चन में और हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लोग ले लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है, तो वो लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिस वे में मैं बताऊंगी, बट प्रैक्टिस करने के बाद आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहले 2 उठाएंगे, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे छोटा कौन है, 32, ठीक है, तो इस नंबर को कट कर देंगे। नेक्स्ट इसके साथ उठाएंगे, इसके न्यूमिनेटर को इसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें कौन सा छोटा है, 28 छोटा है, इट मीन्स ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें 6 4 जा, ठीक है, एंड नेक्स्ट वाला देखें, अब सबसे छोटा कौन है, 24, तो यहाँ से पहले नंबर वाला असेंडिंग ऑर्डर पता चल गया कि फर्स्ट नंबर पर ये रहेगा, ठीक है। अब बाकी तीनों में हम क्या करेंगे, बाकी तीनों में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 49 48, बताइए छोटा कौन है, ये वाला है, तो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट अब छोटा ये है, इसके साथ इसको देखते हैं, 6 6 जा 36, एंड 7 5 जा 35, अब बताइए छोटा कौन है, ये है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारा 5/6 हो जाएगा। इट मींस फर्स्ट नंबर पे आपका 4/5, सेकंड नंबर पे आपका 5/6, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट अगेन करेंगे अब इन दोनों में, क्योंकि हमारे 2 नंबर निकल चुके हैं, अब नेक्स्ट इन दोनों में देखेंगे, 7 7 जा 49, 8 6 जा 48, बताइए छोटा कौन है, 6/7, ठीक है, और लास्ट में कौन है, 7/8। तो ऐसी प्रैक्टिस से आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है रादर देन कि आप एलसीएम लें। अब इसके लिए आपको क्या आने चाहिए, जस्ट टेबल्स आने चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले पहले दोनों नंबर्स लीजिए और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, फटाफट से आप कर सकते हैं बिकॉज आपको टेबल्स आते होंगे, राइट। सो अगर आप देखें तो इसमें छोटा ये निकला, इट मींस ये वाली डिजिट कट हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये वाला नंबर कट गया। नेक्स्ट आप इसको इससे करें, 12 2 जा 24, 7 7 जा 49, बताइए अगेन ये बड़ा निकला तो ये कट गया। नेक्स्ट 15 2 जा 30, 7 8 जा 56, बताइए ये भी बड़ा निकला तो ये कट गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया,
2/7. सो सबसे छोटा नंबर इज 2/7. अब आपका पहला नंबर डिसाइड हो चुका है, अब बाकी तीनों में देखेंगे. बाकी तीनों में देखिए, अब इसको और इसको लेंगे, 12 5 जा बताइए छोटा कौन है, 60. ठीक है, तो ये वाला नंबर कट गया. अब इसको और इसको देखेंगे, ठीक है, अब बताइए. देखिए 15 5 जा 75 9 8 जा 72. बताइए 72 छोटा या 75 72, तो ये वाला नंबर आपका सेकेंड नंबर पे आ जाएगा. ठीक है, 8/15. अब दोनों किन दोनों में कंपटीशन रह गया, इन दोनों में. ठीक है, तो आप इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है. अगेन देखें, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें एंड इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें. बताइए कौन सा छोटा है, 5/9. ठीक है, 5/9. नेक्स्ट आपका 7/12. तो इस तरह से आप जो है असेंडिंग ऑर्डर स्पीडली निकाल सकते हैं, रादर देन कि आप एलसीएम लें. थोड़ा सा टेबल्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको आएगी तो आपके ये क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो सकते हैं. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिमल से रिलेटेड. सपोज कीजिए इस डेसिमल वाले नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ से डेसिमल हटाना है उसके नीचे 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे वो चेक करने हैं. डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोज़ आ जाएंगी. तो इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 64/100 में. ऐसे ही अगर मान लीजिए अपोन में जीरोज़ में दे रखा है, लाइक 100 10 1000, ऐसी अपोन में वैल्यू दे रखी है और उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जीरोज़ कितनी हैं अपोन में. देखिए 3 जीरो हैं, तो आपको पीछे से काउंटिंग करनी है, 3 डिजिट्स के आगे चलकर आपको एक डेसिमल लगाना है. देखिए 1 2, थर्ड तो है ही नहीं, तो थर्ड आप अपनी तरफ से ज़ीरो लगाएंगे और उसके आगे क्या लगाएंगे, डेसिमल. सो 0.064, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ऐसे होगा. ये अभी बेसिक्स क्वेश्चन है जिसमें 100 10 या 1000 या 10000 ऐसा अपोन में दिया हो या फिर अपोन में डेसिमल से कन्वर्ट करना हो, तो ये उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ. नेक्स्ट देखिए 7/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 10 है तो एक डिजिट पहले आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और एक डिजिट 7 दी हुई है सो इसी के आगे पॉइंट लग जाएगा 0.7. अगर यहाँ पे बात करें तो 2 डिजिट्स के आगे क्या लगना चाहिए, डेसिमल लगना चाहिए. सो आप अपनी तरफ से 8 के आगे 0 लगा के तब डेसिमल लगाएंगे. ये बात बच्चा जो है वो भूल जाता है, जिनको थोड़ी सी मैथ्स में प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर 10 और लगेगी. ठीक है, ऐसे ही इस केस में कि यहाँ पे 10 और लगेगी. बहुत बेसिक से करवा रही हूँ आप लोगों को मैथ, प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा. आगे आने वाले क्वेश्चन में ये छोटी बातें ही बहुत बड़ी बन जाती है जब कैलकुलेशन गलत हो जाती है. ठीक है, सो देखिए अब इसको अगर आपने डेसिमल हटा के अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल की जगह लगेगा 1 और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो 1000. ठीक है, इसको अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 129 अपोन में डेसिमल हटा के 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो अपोन में 100. तो ये थे सिंपल क्वेश्चंस. आप करते हैं बार वाले, कि बार वाले क्वेश्चंस को डेसिमल से जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है 0.67 और ऊपर है बार, देखिए 7 के ऊपर है बार, पूरे कंप्लीट 67 पे नहीं है. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, कि आपका ये 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो इसकी जगह हम लोग ऐसे बार लगा सकते हैं. ठीक है, अब आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो भी नंबर है वो पूरा लिखेंगे 67. ठीक है, उसके बाद माइनस लगाएंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं था वो देखेंगे क्या है, वो 6 है. ठीक है, तो वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. उसके बाद अपोन में जितने डिजिट्स के ऊपर बार था उतने 9 लगेंगे. कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप 9 लगा देंगे. अब पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितने डिजिट्स पर बार नहीं था, एक डिजिट पे बार नहीं था, उसकी जगह 0 लग जाएगी. ठीक है, जैसे एक और कन्वर्ट करके दिखाती हूँ. सपोज कीजिए ये 37 लिखा, बार किसके ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है, तो माइनस क्या करेंगे, 3. अपोन में कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो उसकी जगह 9 एंड 3 के ऊपर बार नहीं था इसलिए इसकी जगह 0. ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी. अब देखिए मान लीजिए तीनों के ऊपर बार है तब क्या करें, तब आप डायरेक्ट लिखेंगे 623. आप कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जिसके ऊपर बार नहीं था, तो माइनस नहीं होगा. ठीक है, अब अपोन में क्या करेंगे, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 2 3 डिजिट्स पे बार है, तो 3
999 आ जाएगा, 3 times 9 आ जाएगा, 0 नहीं आएगी। 0 क्यों आई थी? क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार था और एक पे नहीं था। जिसके ऊपर बार था उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 999 आ गया। अब यही अगर ऐसा देखें, देखिए मैंने सेम जो है नंबर लिखा, बट बार सिर्फ 23 पर लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे 623, माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है क्या माइनस करेंगे, 6, ठीक है। अपॉन में दो डिजिट्स पर बार था तो 999 और पीछे क्या लगेगी, 1 0, यानी कि 990। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी। सो इस तरह से बार वाले क्वेश्चंस को डेसिमल वाले कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, वो ये तरीका था। इनकी जगह ऐसे नहीं करते कि अगर बार में गिवन है तो आप इसके नीचे 100 लगा देंगे, नहीं, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही तरीका ये है करने का, ठीक है। होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि अगर सपोज कीजिए आपके पास इस तरह से इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा अगर वो गिवन हो और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अब अपॉन में 100, 10 या 1000 तो है नहीं, 90 है, 90 देखते ही आप समझ जाएंगे कि बार वाला इशू है, ठीक है। क्योंकि अपॉन में जहाँ पर 9, 99, 990 ऐसे कुछ डिजिट्स देखेंगे, ऐसे कुछ नंबर देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि अगर मैं इसे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर बार का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी अगली क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप CET ग्रुप D की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।